जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी के बारे में। ओरिएंट ग्रीन पावर के बारे में आज बात इसलिए होगी क्योंकि कंपनी के अभी हाल ही में कंपनी क्वार्टर वन के रिजल्ट जारी किए हैं। क्वार्टर वन के जो नंबर आए हैं काफी शानदार आए हैं, तो इस नंबर के बेसिस पे आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है इस कंपनी के शेयर प्राइस को लेकर। वर्तमान में तो प्राइस में आपको डाउनग्रेड होते हुए दिखा है, इसकी वजह भी समझेंगे। चूंकि नंबर अच्छे आए हैं तो अब इसके बेसिस पे शेयर प्राइस में कब तेजी आएगी यह भी समझेंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी का भी हाल ही में राइट इशू आया है। राइट इशू अभी ओपन नहीं हुआ है लेकिन ये जल्दी इशू जो है ओपन होने जा रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग एक डिटेल्स लेंगे कि राइट इशू क्या होता है, आपको इसमें क्यों अप्लाई करना चाहिए। यदि आपके पास इस कंपनी के शेयर है तो अप्लाई करने से क्या क्या बेनिफिट होगा, नहीं अप्लाई करेंगे तो कैसे नुकसान हो सकता है आपका, सारी बातों को इस वीडियो में आसान भाषा में समझने वाले हैं। समझिए, ओरिएंट ग्रीन पावर जो कंपनी है बहुत जल्द आपको ये कंपनी सुजलोन एनर्जी की तरह रॉकेट बनते हुए दिखेगा। सुजलोन एनर्जी आप भी जानते हैं कि बहुत कम प्राइस, जब उसका प्राइस बहुत कम हुआ करता था और 5-7 रुपए के आसपास हुआ करता, तब से मैं उसको फॉलो करता था। हालांकि जब कंपनी बड़ी हो गई उसके बाद मैंने उसको वीडियो बनाना कम कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी जो कंपनी ग्रो हो गई बड़ी हो गई तो मैं बड़ी कंपनी के ऊपर वीडियो नहीं बनाया। ऐसी कंपनी जो छोटी होती है जो ग्रो कर रही है तो उसके ऊपर वीडियो बनाना प्रीफर करता हूँ। तो ओरिएंट ग्रीन जो पावर है यह भी आपको कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कामकाज करती हुई कंपनी दिखती है। और ओरिएंट ग्रीन पावर की बात कर सकते हैं कि उसके बाद की कंपनी है जो इतने बड़े मार्केट कैप के साथ और आगे बहुत बड़े नंबर पर रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है उसको प्रोड्यूस करती है और सोलर प्लांट के माध्यम से, और उसके राह पे आगे बढ़ते हुए दिख रही है कंपनी। तो इसलिए इसके बारे में बात हम लोग करते हैं। तकरीबन ये स्मॉल कैप श्रेणी की कंपनी है और इसका जो पी है 16, क्योंकि ये काफी डिमांडिंग स्टॉक रहता है, तो जो स्टॉक जिसका डिमांड ज्यादा होता है उसका पी महंगा होता ही है। आपको चार्ट पर लेवल देखना होगा किस लेवल पर बाई कर सकते हैं, पी देखे से बाय नहीं कर सकते। रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी काफी बढ़िया है। अगर आपका इसमें इन्वेस्टमेंट है तो आपको भी पता होगा कंपनी साल भर में ठीक ठाक रिटर्न आपको जनरेट करके दे देती होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर, क्योंकि मेन जो हमारा फोकस रहेगा इस वीडियो में क्वार्टर्स नंबर और आरई शेयर्स पर रहेगा जो राइट इशू आया है। क्वार्टर्स नंबर में देखेंगे जो कंपनी का सेल्स हुआ है जून क्वार्टर के रिजल्ट में जबरदस्त हुआ है। पिछले दो दो क्वार्टर के तुलना में देखेंगे तकरीबन डबल सेल्स हुआ है इस बार इस कंपनी को। तकरीबन 64 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स हुआ है, जबकि पिछले कई क्वार्टर्स में देखेंगे तो लगभग एवरेज देखें तो कुछ कुछ क्वार्टर्स में तो कंपनी का यहाँ पे जो सेल्स गया है ट्रिपल डिजिट में गया है, लेकिन अगर इस एक्सेप्शन का छोड़ दें तो लगभग कंपनी का जो रिजल्ट रहा है ठीक ठाक ही रहा है, 60 करोड़ के आसपास 70 करोड़ के आसपास रहा है ओवरऑल। अब पहले के तुलना में देखें कंपनी तो उसके करीब पहुंचते हुए दिख रही है सेल्स के मामले में। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यह भी बढ़ा है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है यह जबरदस्त बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि जो मेन बिजनेस से कमाई होती है उस पर कितना परसेंटेज कंपनी को मिला, और यहाँ पे हम बात करें नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट क्या होता है टैक्स वगैरह देने के बाद कंपनी के पास बचता है। तो यह पहले कंपनी क्या थी, दो क्वार्टर्स लॉस में चल रही थी, लॉस कम करके 6 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट में आ गई है जो कि बहुत ही शानदार है। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं तो आप जानते हैं कि इनका फ्यूचर काफी ब्राइट है, प्लस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कुछ गिनी चुनी हुई कंपनियां हैं जो कामकाज करती हुई नजर आ रही है। कंपनी का जो डेप्ट है डेप्ट भी कम होते हुए दिखा है क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, प्लस जो रिजर्व पैसा था जो रिजर्व माइनस में था वो माइनस में भी कम होते हुए दिखा, यानी कि ओवरऑल सब में सुधार होते हुए दिखा है। अब बात करते हैं हम लोग कंपनी के राइट इशू की। देखिए ओरिएंट ग्रीन पावर जो कंपनी है इसका राइट इशू अभी ओपन होगा 27 अगस्त से ओपन होगा और 13 सितंबर तक ओपन रहेगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 27 सितंबर से लेकर 13 सितंबर के बीच में अप्लाई करना होगा। अप्लाई करेंगे तो आपको सबसे पहले बेनिफिट क्या होगा, यदि आप इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और आपके पास कम से कम 51 शेयर्स होने चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। जिसके पास 51 शेयर्स होगा उसको 10 एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेगा, और ये जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेगा ये जब इशू ओपन होगा 27 अगस्त के बाद तो उनके डिमेट अकाउंट में ये एक्स्ट्रा शेयर्स दिखने लगेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं राइट आरई शेयर्स, यानी कि राइट इंटाइटलमेंट्स के शेयर्स। अब ये देखिए 51 शेयर्स उस व्यक्ति के लिए मायने करते हैं जिन लोगों ने इस कंपनी के रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर्स बाय किए होंगे, यानी कि 13 अगस्त से पहले जिन लोगों ने भी इस कंपनी के शेयर्स को बाय किया होगा सिर्फ वही व्यक्ति इस राइट इशू में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे, और वो भी कम से कम 51 शेयर्स उसके पास होने चाहिए तब 10 एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे। अब समझिए मान लीजिए कि इस व्यक्ति ने 13 अगस्त से पहले बाय किया है, बहुत पहले बाय किया, उसके पास 51 शेयर्स भी, उसको 10 आरई शेयर्स मिल गई यानी कि 10 एक्स्ट्रा शेयर्स मिल गया। अब इस व्यक्ति के पास दो उपाय हैं, या तो ये क्या कर सकता है कि इसको बेच सकता है और बेचेगा तो कुछ रुपये मिल जाएंगे। कितने रुपये मिलेंगे, देखिए आरई शेयर्स को क्या होता है, आरई शेयर्स क्या होता है कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे कंपनी आपको ये एक्स्ट्रा शेयर्स देती है, इसके लिए प्राइस रखा गया है 13 रुपया। मार्केट में अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 23 से 24 रुपए के आसपास, जबकि आरई शेयर्स में कंपनी आपको कितने में शेयर्स दे रही है, 13, सिर्फ और सिर्फ 13 रुपए में दे रही है।
और कह रही है कि आप 27 अगस्त से लेकर 13 सितंबर के बीच में 13 रुपए के हिसाब से अप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा, एक तो चूंकि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे आपको शेयर्स मिल रहा है, और अगर आप इस भाव पे अप्लाई करेंगे तो आपका जो एवरेजिंग है, जो एवरेज प्राइस है शेयर्स का, इस शेयर्स का कम हो जाएगा। एवरेज प्राइस जितना कम रहे उतना अच्छा होता है। दूसरा उपाय यह है कि आपको जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेगा, 10 एक्स्ट्रा शेयर्स, तो उसको आप 13 रुपए के हिसाब से बेच भी सकते हैं। यदि किसी को अप्लाई नहीं करना है तो हर व्यक्ति का मन नहीं होगा अप्लाई करने का, नहीं अप्लाई करेगा, तो 13 रुपए के हिसाब से 10 शेयर्स बेचेंगे तो आपको 130 रुपए तो ऐसे ही मिल जाएंगे। तो यदि अप्लाई करना होगा तब इसको मत बेचिएगा, तब आप इसको 13 सितंबर तक अप्लाई कर दीजिएगा, और नहीं अप्लाई करना होगा तो इसको बेच दीजिएगा इसी टाइम पीरियड में। इसी टाइम पीरियड में यहाँ पे एक डेट आता है रिनंसिएशन ऑफ राइट एंटाइटलमेंट्स का, यानी कि जो व्यक्ति आरई शेयर्स बेचना चाहते हैं, जो अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे डेट आता है, इसी डेट के पहले बेचना होगा। अभी डेट आया नहीं, चूंकि जब आरई राइट इशू ओपन होता है ना तब ये डेट आता है, तो मैं आपको फिर बाद में अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ तक आप बात समझ गए, नहीं अप्लाई करना होगा तो इसको जरूर बेच दीजिएगा, और अप्लाई करना होगा तो मत बेचिएगा। अब एक बात समझिए, यहाँ पे इस राइट इशू के जरिए कंपनी 250 करोड़ रुपए जुटाने जा रही है। 250 करोड़ रुपए में कंपनी कुछ करोड़ रुपए का यूज करेगी अपने डेप्ट को कम करने के लिए, जिसमें मैंने दिखाया डेप्ट हालांकि कम हो भी रहा है, लेकिन ओवरऑल कंपनी डेप्ट फ्री हो जाएगी, उसके बाद ज्यादा ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगी, और कला में जो पैसे बचेंगे उसको कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, नए नए रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट वगैरह बैठाने में कंपनी इसको खर्च करने वाली है। आईपीओ जिस तरीके से आता है और जिस तरीके से अलॉटमेंट होता है, हालांकि अलॉटमेंट की प्रक्रिया इसमें अलग है, इसमें फिक्स है कि आपने अप्लाई किया तो आपको शेयर्स मिलेंगे, तो उसके लिए भी क्या होगा कि पहले आपको डिमिट में ये अलॉटमेंट हो जाएगा 19 सितंबर को, यदि आप अप्लाई करते हैं तो पूर्ण रूप से क्रेडिट हो जाएगा 24 सितंबर को, और लिस्टिंग इसकी हो जाएगी 27 सितंबर को, सिर्फ बीएससी और एनएससी दोनों एक्सचेंज में, क्योंकि दो ही एक्सचेंज है। तो राइट इशू क्या होता है, क्यों अप्लाई करना चाहिए, तो आप समझ गए, और चूंकि जो कंपनी के क्वार्टर्स नंबर आए थे, क्वार्टर वन का रिजल्ट, इसका भी अपडेट मैंने इस वीडियो में दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने दी आपको समझ में आया होगा। मन में कोई भी सवाल होगा, कन्फ्यूजन होगा, कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।